दिल्ली में बनने जा रही है एक स्मार्ट कॉलोनी। जी हाँ, रीडेवलपमेंट हाउसिंग कॉलोनी के तहत दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में सीपीडब्ल्यूडी के मकानों को तोड़कर एनबीसीसी बहुमंजिला इमारत बना रही है। इस कॉलोनी को इको फ्रेंडली सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सीवर और कचरे को रिसाइकिल समेत कई आधुनिक सुविधा रहेंगी। ये है साउथ दिल्ली का ईस्ट किदवई नगर एरिया, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रीडेवलपमेंट हाउसिंग कॉलोनी के तहत अत्याधुनिक इको फ्रेंडली व हाई टेक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। कुछ साल पहले यहां पर एक और दो मंजिला सरकारी क्वार्टर थे, जिनकी हालत खस्ता होने के बाद उनको पूरी तरह से तोड़कर एनबीसीसी यहां पर बहुमंजिला स्मार्ट सिटी बना रही है। आने वाले 2 से 3 सालों में ये पूरा 86 एकड़ में फैला एरिया दिल्ली एनसीआर की शानदार कॉलोनियों में शुमार होगा। ये काम एनबीसीसी को दिया गया, तो अब हम वहाँ पर करीब 5,000 मकान बना रहे हैं और 15 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के 6 या 7 गुना एरिया ज्यादा डेवलप किया जा रहा है जो पहले था। ये टाउनशिप पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के तहत इको फ्रेंडली तकनीक से बनाई जा रही है, जिसमें कई तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में सीवर का पानी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके लगभग 50% तक पानी की खपत को कम किया जाएगा, तो कचरे से घरों के लिए बिजली भी बनाई जाएगी। कि इस पूरी टाउनशिप को जो 100 एकड़ में बन रही है, उसको स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सब सिटी के नाम से आप कह सकते हैं। वहाँ पे स्मार्ट सिटी के मैक्सिमम कंपोनेंट हम लोग लगा रहे हैं और जो ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एनबीसीसी आने वाले 2 या 3 साल के अंदर ये पूरी टाउनशिप सरकार के हाथों में सौंप देगी, जिसके बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसमें रहकर यहाँ के इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ ही प्रकृति के लिहाज से साफ और सुथरी जिंदगी बिताएंगे। मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।